विकास करेंगे हम लोग, वोट का रिश्ता विकास से बना के सब जनता के बीच आते हैं। तो वोट का रिश्ता जब जब विकास से जुड़ता है तो निश्चित रूप से जनता का जो निर्णय होता है वो हमेशा विकास के पक्ष में होता है। सर, जिस तरह से अब ओम गोपाल हैं वो कांग्रेस में चले गए हैं, तो कितना इसमें प्रभाव? देखिए, भारतीय लोकतंत्र में बहु पार्टी व्यवस्था है, वो भी एक पार्टी है जो धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खत्म कर चुकी है, उसका भी उम्मीदवार आएगा। सर, क्या संदेश आप नरेंद्र नगर की जनता को देंगे? आप देखिए, जो आज जिस तरह से नरेंद्र नगर को, चाहे वो उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा में पॉलिटेक्निक का प्रश्न हो या ITI का प्रश्न हो, चाहे वो डिग्री कॉलेजेज और आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट कॉलेजेज हों, चाहे पावर सब स्टेशन हों, चाहे 3200 किलोमीटर का सड़कों का नेटवर्क हो, चाहे 78% लोगों को पंपिंग के माध्यम से पानी सिंचित लिफ्टिंग से पानी पहुंचाने का प्रश्न हो, हर चीज़ में हम संभवतः प्रदेश में सबसे। सब पर्यटन को लेके जो अभी कांच का पुल बनने जाए, इसमें क्या कहना? देखिए, पर्यटन की दृष्टि से बहुत संभावना है मेरे क्षेत्र में, चाहे राफ्टिंग के क्षेत्र में, देखिए मेरे क्षेत्र में साहसिक टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, योगा टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म, तमाम तरह की संभावना है। और जिस तरह से हमने जानकी सेतु और अयोध्या पथ वहाँ पर बनाने का काम किया, और जिस तरह अब बजरंग सेतु के रूप में एक और आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं, साथ ही साथ 62 करोड़ की लागत से इको डाइवर्सिटी पार्क जो ढलवाला में बन रहा है, ये सभी चीज़ें पर्यटकों को निश्चित रूप से आकर्षित करेंगी और सैकड़ों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जो इको डाइवर्सिटी पार्क है इसको हम लोग सोसाइटी मोड में चलाएंगे।